हाय गाइस, मैं कनक भारती, आप सभी का हमारे चैनल यूट्यूनेस्ट में वेलकम है। गाइस, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से क्लास सिक्स का, जिसमें कि एट चैप्टर खत्म हो चुका और आज हम लोग नाइन्थ चैप्टर शुरू करेंगे। और इस चैप्टर का क्या नाम है, सजीव विशेषताएं एवं आवास। यह चैप्टर साइंस का है, बट इसमें जो भी पॉइंट है आपको लगेगा कि हम ईबीएससी पढ़ रहे हैं। और ये जो मैं पढ़ा रही हूँ बिल्कुल हिंदी मीडियम में पढ़ा रही हूँ, कहीं कहीं इंग्लिश वर्ड का भी यूज करती हूँ। तो मुझे लगता है हिंदी मीडियम या कोई इंग्लिश मीडियम से भी है तो उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या सब पढ़ रहे हैं। पॉइंट्स, मेन मेन पॉइंट जो है, पर्वतों पर ओक, चीर, ओक चीर एवं देवदार, ओक चीर एवं देवदार जैसे अनेक प्रकार के वृक्ष होते हैं ऐसे वृक्ष मैदानी क्षेत्र में नहीं होता है। फिर पुरी, जो कि उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा है, और यहाँ पे भगवान जगन्नाथ का मंदिर भी है। उड़ीसा के समुद्र तट पर केजू रायना के वृक्ष हैं। फिर अगला पॉइंट है, समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय, मतलब साल्ट वाटर जो होता है, लवणीय जल जिसको हम लोग खारे पानी और साल्ट वाटर भी कहते हैं, में रहते हैं तथा श्वसन के लिए, रेस्पायरेशन के लिए जल में विलय ऑक्सीजन ऑटो का यूज करते हैं। फिर मरुस्थल जो है, डेजर्ट एरिया जो है, मरुस्थल जिसको हम लोग डेजर्ट बोलते हैं इंग्लिश में, दिन में गर्म तथा रात में ठंडा होता है। क्या होता है, दिन में गर्म होता है क्योंकि अगर धूप रहती है तो बालू उस पे जो सेंट रहता है वो क्या हो जाता है, बहुत हॉट हो जाता है, तो वो दिन में गर्म होता है और रात में वो ठंडा हो जाता है। ऊंट के पैर जिससे उसका शरीर
से उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। से क्या रहता है? दूर रहता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ऊंट में ऊंट जो यूरिनेशन करता है वह बहुत कम मात्रा में करता है। यूरिनेशन बहुत कम मात्रा में होता है। तथा वो पॉटी जो करता है, मल जो करता है, वह क्या होता है? शुष्क होता है, ठंडा होता है, शुष्क होता है। उसमें पसीना भी, स्वेटिंग क्या होता है? उसमें पसीना भी नहीं आता है क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है। इसीलिए वह जल के बिना कई दिनों तक रह सकता है। ऊंट को क्या बोला जाता है? ऊंट को मरुस्थल का जहाज बोला जाता है। मरुभूमि का जहाज कहा जाता है। आज हम लोग 9th चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि है सजीव विशेषताएं एवं आवास। सजीव जो है, ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल बीइंग, तो उस सजीव के लिविंग थिंग्स हुआ, तो वो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है और वो उसका हैबिट, मतलब जो आवास हैबिटेट्स वो कैसा होता है। तो कुछ चीज हम लोग पढ़े हैं, पर्वतों पर ओक, चीर, देवदार जैसे अनेक वृक्ष होते हैं, यह हमारे यहाँ मैदानी इलाके में नहीं होता है। ऐसे वृक्ष मैदानी क्षेत्र में नहीं होता है। पुरी जो कि उड़ीसा का एक शहर है और यह बहुत ही फेमस सिटी है, जहाँ पे जगन्नाथ भगवान का मंदिर है और वहाँ पे जगन्नाथ रथ यात्रा भी होती है, तो समुद्र तट पर है। और वहाँ पे कौन सा वृक्ष है? केजुरायना का वृक्ष पुरी में समुद्र तट पर है। समुद्र में जल तथा पौधे लवणीय जल खारे पानी में रहते हैं, तथा वो जो श्वसन करता है तो पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है उससे वह श्वसन करता है। फिर है मरुस्थल के बारे में। मरुस्थल को हम लोग डेजर्ट बोलते हैं। दिन में गर्म तथा रात में यह क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ऊंट के पैर, वहां पे हम लोग जानते हैं कि राजस्थान का एक जगह है चुरू, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्मी भी होती है और बहुत ज्यादा ठंडी भी होती है। ऊंट के पैर लंबे होते हैं, जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उसका जो पैर का हाइट होता है बहुत ज्यादा होता है, जिससे उसके बॉडी को सैंड का जो हीट होता है वहां तक नहीं पहुंच पाता। फिर ऊंट में यूरिनेशन, जब वो मूत्र करता है तो बहुत कम मात्रा में होता है, तथा मल शुष्क होता है, उसका जो पॉटी होता है वो ठंडा होता है, उसमें पसीना भी नहीं आता। ऊंट को स्वेटिंग भी नहीं होती है क्योंकि शरीर में जल का ह्रास, जिससे जब स्वेटिंग भी नहीं होगी और यूरिनेशन भी वो बहुत कम करता है, तो उसका शरीर क्या होता है?
पानी का हरास कम होता है और शरीर में ही सारा पानी रहता है, जिसके वजह से वह कई कई दिनों तक पानी नहीं भी पीता है तो काम चल जाता है। ऊंट को मरुभूमि का जहाज कहा जाता है। ऊंट को क्या कहा जाता है? मरुभूमि का जहाज कहा जाता है। तो गाइस आज की क्लास में इतना ही है। दो तीन दिन से क्लास नहीं आ रही थी क्योंकि आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चलता है जो बहुत ही ज्यादा शोर करता है, ड्रिल मशीन सब चल रहा था तो क्लास लेना मुश्किल था। तो आज के क्लास में इतना ही है गाइस। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए, कुछ भी आप अवेल कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।